दुनिया में हर कोई संघर्ष करता है खुद को सफल बनाने के लिए, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष तो करते हैं पर वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं रह पाते हैं। कारण बस ये रहता है कि वो दूसरों की सफलताओं को देख दूसरों के मार्ग पर चलते हैं। अगर वो अपनी योग्यता के मुताबिक कार्य करे या अपने अंदर के हुनर पर मेहनत करे तो कहीं ना कहीं बड़ी असफलताओं के बाद भी उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग असफल रह जाते हैं उनकी असफलता रहने के कारण वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें उनके कार्य करने से रोकते हैं। जिन्हें उनके कार्य के बारे में कुछ भी नहीं पता वो लोग उन्हें राय देते हैं। इतना अजीब है ना। अगर ऐसे लोग आपकी असफलता का कारण बनते हैं तो ऐसे लोगों की बातों को नजरअंदाज करें दोस्तों। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपके जीवन को प्रेरणा जरूर देगी। यह कहानी बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव गहलोर की है, जहां एक ऐसे व्यक्ति रहते थे जो नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाए। उनका नाम श्री दशरथ मांझी था। इनके नाम ही हमें प्रेरणा देगी, जिनके मेहनत और लगन ने पहाड़ को जमीन में मिला दिया। ये कहानी एक छोटे से गांव गहलोर जो पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव था। इस गांव से दूसरे गांव वजीरगंज जाने के लिए लोगों को 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। वजीरगंज के गांव में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध रहने के कारण लोग तय करनी पड़ती थी। दशरथ मांझी मेहनत मजदूरी करने के लिए रोज पहाड़ के उस पार जाते थे और रोज उनकी पत्नी फमिली देवी उनके लिए दोपहर में खाना लेकर जाती थी। दशरथ मांझी अपने पत्नी फमिली देवी से बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन की बात है जब फमिली देवी दोपहर के वक्त खाना लेकर जा रही थी तो अचानक से उसका पांव पहाड़ से फिसलता है और वह नीचे गिर जाती है। गिर जाने की वजह से वो काफी जख्मी हो जाती है। जब ये पता दशरथ मांझी को पड़ता है तो दशरथ मांझी तुरंत उसे अस्पताल ले जाने के लिए चल पड़ते हैं। इतनी चोट लगने की वजह से फगुनी देवी का दम आधे रास्ते में ही टूट जाता है। जब डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अगर इन्हें जल्दी अस्पताल ले आते तो शायद ये जिंदा बच जाते। दशरथ मांझी को ये बात बहुत ही अंदर से दुखी पहुंचाई। उन्हें लगा कि न जाने इस पहाड़ ने कितनी पत्नियों की जान ली हो। उन्होंने निश्चय किया कि इस पहाड़ के अंदर से एक रास्ता जरूर बनाएंगे। जब वो ये कार्य करने लगे तो गांव के कुछ लोग उन्हें मजाक उड़ाने लगे। यह देख उनके घर वाले श्री दशरथ मांझी के घर वाले भी उनका साथ छोड़ दिए। उन्होंने अपनी जिद कभी नहीं छोड़ी, अपना एक लक्ष्य रखा कि पहाड़ के अंदर से जरूर रास्ता बनाएंगे। वह अकेले ही एक छेनी हथौड़ी की मदद से 22 साल के संघर्ष से उस पहाड़ के अंदर से रास्ता निकालते हैं, ना किसी के सहयोग से। दशरथ मांझी जी ने इस बीच में कितनी कठिनाइयां सही, कितनी तकलीफें सही, फिर भी उनकी जिद के आगे पहाड़ भी घुटने थे। वो पहाड़ के अंदर से रास्ता बना दिए बिना किसी के मदद से। अब वजीरगंज की दूरी लगभग 7 किलोमीटर हो गई थी। दशरथ मांझी की यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए जिद होना चाहिए। एक दिन जरूर आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या हुआ जो आज लोग साथ नहीं है, पर जब आप सफल रहेंगे तो लोग आपके नाम की प्रेरणा लेकर संघर्ष करेंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।